नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ समथिंग अबाउट अ कोरियन यूट्यूबर हु एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी ड्यूरिंग हिज यूट्यूब लाइव एंड हिज नेम इज़ हियो पॉप। यू कैन जस्ट सर्च इन यूट्यूब। अराउंड 4.11 मिलियन सब्सक्राइबर ही हैव। और ये जो एक्टिविटी थी, मतलब जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन्होंने एक्सपीरियंस करी थी, वो उन्होंने एक्सपीरियंस तब करी थी जब वो एक चैलेंज परफॉर्म कर रहे थे। एंड चैलेंज का नेम था स्केप द अबेंडेंड स्कूल। वैसे वो काफ़ी सारे चैलेंजेस अपने यूट्यूब वीडियोस में डालते रहते हैं। आप जाके उनके चैनल पर जाके सर्च कर सकते हो। बहुत अलग अलग टाइप के चैलेंजेस हैं वहाँ पर। सो उसमें से एक था स्केप द अबेंडेंड स्कूल, जो कि उन्होंने करना था रात में एक खाली स्कूल में। और उस टाइम पे उन्होंने एक स्ट्रेंज फिगर देखा था। सो ज़्यादा मैं बताऊंगी नहीं आपको इसके बारे में, क्योंकि हम पूरी वीडियो को देखेंगे, देन आपको डिटेल में वो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी। और छोटी छोटी क्लिप्स उनकी ही यूट्यूब वीडियो से मैंने यहाँ पर ऐड करी है। सो यू कैन जस्ट सी एंड देख सकते हो कि क्या क्या होने वाला है इस चीज़ में। जब वो वीडियो स्टार्ट होती है तब वो उस अबेंडेंड स्कूल को वहीं गेट से ही दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पूरा दिखाने का। और उसी टाइम पे उनको कोई लॉक करके चला जाता है। एंड दैट पर्सन, वो कौन था वो तो मुझे भी नहीं पता, वो पर्सन था कौन, बट उनको लॉक कर दिया गया था। एंड वो लॉक ऐसा था कि जिसमें आपको कोड डालने थे, डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स डालने थे, तो उनको लॉक कर दिया गया था। तो वहाँ जब वो लॉक हो गए थे, तो उससे पहले उनको उस अबेंडेंड स्कूल में जाना था एंड सारे क्लूज वगैरह ढूंढने थे, एंड देन पूरा स्कूल घूम के आना था और उसके बाद वो लॉक खोलना था। तो ये वीडियो इसी तरीके से स्टार्ट होती है। और उसी स्कूल के वेरियस स्पॉट्स पे मल्टीपल पजल्स रखे होते हैं, जहाँ पे उनको क्ल्यू दिया रखा होता है, मतलब हिंट होता है उनके पास, और उससे उनको वो सॉल्व करना होता है। एंड ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स को उनको एक्सप्लोर करना होता है। एंड एक्सप्लोर करते करते लास्ट में उनको मेन गेट का क्ल्यू मिलना था, और जहाँ पे उन्हें वो ओपन करके तब बाहर निकलना था।
아, 여러분 여기 보이세요? 보이고? 다 거미줄이야, 거미줄. 어, 뭐 있어? 찾았어. 뭐야 이거? 아, 비유 같은 건데 주기율표? 주가율표? 주기율표? 자, 뭔지 모르겠어요. 허팝은 이깔 나오지 않았기 때문에. 자, 이거 나중에 뭐 하는 것 같은데? 자, 일단 네, 가봅시다, 계속. 자, 계속 가봅시다. 2학년 4반, 2학년 4반. 자, 여기 또 뭐 없나? 자, 보죠. 와, 창문 다 깨져 있어요, 여러분들. 자, 뭐 없나? 오, 찾았다, 찾았다. 여기. 그렇지. 잠시만. 이거 뭐 어떻게 풀어라는 거야? 이거랑 이거는 또 뭐지? 보자. 이거 풀어야 되는데, 볼펜. 아까 주워온 볼펜. 자, 풀어봅시다. 자, 잠시만. 1가 2가 1310? 무슨 말이지? 1-2는 3이잖아요, 3. 1, 2, 2가 10이에요. 5의 배수. 이쪽, 잠시만, 5의 배수 25. 오, 맞네? 이쪽은 5의 배수네, 5의 배수. 맞죠? 자, 그러면 7, 5, 35. 이게 35. 뒤에는 35라는 거 아니에요? 맞죠? 앞에만 보면 되는데. 1, 13. 3이 15. 무슨 말일까? 5가 17. 20 커졌는데? 맞죠? 근데 이게 7이 아니고 8이에요. 그러면 이게, 어? 똑같이 커지면 되는 건가? 8이잖아요. 근데 3을 더하면 20인데 2035인가? 2035. 이게 정답 아닐까요? 2035? 아닌가? 맞겠지. 한번 가보자. 일단 가보자. 2035. 2035 가보겠습니다. 2035. 203. 3. 어딨지? 3. 35. 오, 2035. 오, 풀었어. 오, 대박. 이게 무슨 원리인지 모르겠는데, 어쨌든 풀었습니다. 오, 예. 오, 뭐 있네. 뭐야, 이게 다야? 아, 이게. 잠시만, 여기 대입하는 것 같은데, 맞죠, 여러분들? 자, 가보겠습니다. X, C, Y, I, K. X, X. 시작부터 막 X가 없으면 안 되는데, 맞죠? X. C. Y. Y. I. 마지막 뭐였지? K. 자, 제발. X, C, Y, I, K가 오. 오. 자, 좋아. 자, 아, 옥상에서 바라보는 학교 앞 전경입니다. 아주 평범한데. 왜 여긴 왜 이렇게 무섭지? 자, 어, 여기 뭐 있다. 뭐야? 뭐지? 이거 뭐 푸는 것 같은데요, 여러분들? 맞죠? 자, 이게, 하나, 아, 이게 정사각형 개수네요. 하나, 둘, 어, 셋, 넷. 하나, 둘, 맞죠? 자, 가보겠습니다. 쉽네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 개. 자, 그리고, 어, 이거는 하나, 둘, 셋. 자, 이거는 하나, 둘, 셋, 어, 넷, 어, 다섯. 다섯 개? 맞나 모르겠다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 여섯 개. 9, 3, 5, 6인 것 같은데, 이게 어디 답이란 거지? 어, 잠시만. 나 아까 이 펜 놔두고 온 것 같은데, 왜 이 펜을 내가 들고 왔지? 아까 얇은 볼펜을 내가 주머니에 फिर जब उन्हें जो लास्ट वाला क्ल्यू मिला, मतलब जो लास्ट पजल था वो मिला, तो जब उन्होंने वो सॉल्व कर लिया, तो लास्ट टाइम वो अपने जो स्कूल में गए थे, वो अबेंडेंड स्कूल में प्रॉपर उसको दिखा रहे थे, और उसी टाइम दिखाते टाइम उनको एक बहुत ही स्ट्रेंज फिगर उस स्कूल के ऊपर वाले मतलब रूफ पे दिखा एकदम, एंड जो कि एक शेडो ही फिगर था, क्योंकि वहाँ से कोई दिख नहीं रहा था कि कोई ये बोलेगा नहीं कि वो इंसान है प्रॉपर, क्योंकि एक ब्लैक शेडो टाइप की थी जो दिखी वहाँ पे, एंड एकदम से पीछे चली गई, एंड वो देख के वो भी थोड़ा डर गए थे। उन्होंने तुरंत लॉक खोला और उस यूट्यूब वीडियो को वहीं पर एंड करा। उसके आगे उस वीडियो में क्या हुआ ये हमें भी नहीं पता है, और ना ही हिप हॉप ने ऐसा कुछ शेयर किया था वहाँ पे। 자, 우리 폐교 인사해야지. 마지막 작별의 인사. 자, 아, 무서웠어. 여기 보면 은행나무도 있고, 은행나무가 엄청 커요. 은행나무 귀신 무섭단 말이야. 빨리 나가야 돼. 자, 폐교야, 안녕. 어, 뭐야 저. 잠시만. 뭐, 옥상에 뭐 있었던 것 같은데? 오, 잠시만, 빨리 나가자. 자, 9356. 자, 9356. 어, 뭐지? 뭐 아무것도 아니었겠지 뭐, 맞죠? 3. 어, 갑자기 이렇게 불이 이렇게 오는 거지? 5, 6. 되라. 오, 됐어. 자, 여러분들 풀었어.
뭐 없지 없지 없지. 아까 뭐 옥상 못 썼는데. 자 어쨌든 여러분들 허파브 네 다 풀었습니다. सो ये वीडियो तो यहीं पे एंड होती है, बट आपको क्या लगता है कि वो जो स्ट्रेंज फिगर था वो क्या उसी यूट्यूबर ने, वो कोरियन यूट्यूबर ने वहाँ पे किसी को पहले से ही बोला था कि वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, या आपको लगता है कि ये रियल है तो मुझे कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी रियल था क्योंकि वो रैंडमली स्कूल को पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे थे एट लास्ट टाइम पे, और एकदम से उन्हें वो फिगर दिखता है एंड ऑल ऑफ सडन वो फिगर गायब भी हो जाता है एंड वो भागते नहीं हैं उसे देखने के लिए, वो गेट खोलते हैं और भाग जाते हैं। बट रियलिटी क्या है ये हमें भी नहीं पता है। सो अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करिए और मुझे बताइए, और जो भी इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों को बांटो, और तब तक के लिए मज़े करो। अभी के लिए तो इतना ही है, बाय बाय।